तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ पे कोई वीडियो और कोई ब्लॉग बनाने के लिए नहीं आया है। आज मैं यहाँ पे रितु रिबा जो बहुत ही फेमस है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो अरुणाचल के प्रदेश में है, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो इसके बारे में आज मैं कोई कुछ छोटा सा बोलने के लिए मैं भी आज यहाँ पे आप लोग के पास, आप लोग के सामने आया हुआ है। तो गाइस, आप लोग भी पता ही होगा रितु रिबा से लेकर इतना सारा वीडियो वायरल हो रहा है, क्यों हो रहा है बहुत ही सारे लोगों ने नहीं पता। तो इसी के बारे में मैं कुछ बोलने के लिए आज आया हुआ है। जैसे कि हम लोग सब पता है रितु रिबा भी इंडिया आइडल में गया था, लेकिन क्या हुआ बाद में उनका जो सिलेक्ट नहीं हो पाया, डिस्क्वालीफाई हो गया। तो हम लोग अभी बहुत ही सारा दुख लग रहा है, क्योंकि इतना जो उनके पास इतना टैलेंट था, उनका जो उनका पास इतना ऑनर था, लेकिन उनका जो अंदर में इतना टैलेंट होने के बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ है, सिर्फ मुझे नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट का है, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उनको जो लेकर इतना दुख हो रहा है कि इतना जो सिंगर अच्छा था, इतना जो सुर अच्छा था, उनका जो इतना टैलेंट था, फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ इंडिया आइडल में। आप लोग भी सभी देखा होगा इंडिया आइडल में जब हिमेश बोल रहा था रितु रिबा को, अगर आपको 5 मिनट टाइम देता तो खुद का जो गाना बना के गा सकता है क्या, ऐसा बोला था। तो उस टाइम रितु रिबा बोला था हाँ सर मैं ट्राई करूँगा बोला था। तो उसके बाद 1 मिनट भी नहीं हुआ वो पूरे गाना बना के गाया था इंडिया आइडल में। अगर गाइस किसी को 5 मिनट टाइम दे के आप 5 मिनट का अंदर गाना बना के खुद का गाना बना के गा सकते हैं क्या, ऐसे बोलेगा तो शायद मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा। जो रितु रिबा देखो, वो उनका अंदर इतना टैलेंट था, 5 मिनट भी नहीं हुआ, 5 मिनट भी नहीं हुआ, सिर्फ वो 1 मिनट में भी खुद का गाना बना के वो वहाँ पे इंडिया आइडल में गा के सुनाया था। इतना टैलेंट था यार, फिर भी वो इंडिया आइडल से बाहर हो गया, मतलब डिस्क्वालीफाई हो गया। क्यों हो गया यार, मुझे बहुत दुख लगता है। उनका साथ इतना बेइंसाफी हुआ है ना, तो हम लोग उनके लिए हम लोग बॉयकॉट करना पड़ेगा। तो आप लोग भी देखो गाइस, रितु रिबा का जो आवाज़ होता है, उनका जो सुर होता है, इतना अच्छा सुर है। मैं मेरा वीडियो में छोटा सा क्लिप मैं दे दूंगा, इंडिया आइडल में गाया हुआ है, तो आप लोग भी देखो सुनो उनका जो सुर, अभी देखो आप। तेरा बन के रहूं सदा मैं परछाई, तू मेरी हीर में तेरा रंजा, करता हूं मैं तुझसे वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनी है, तू मेरी हीर में तेरा रंजा, करता हूं। तो गाइस अभी आप लोग देखा होगा उनका जो खुद का गाना बना के गाया था वहाँ पे इंडिया आइडल में, आप लोग अभी सुना होगा। देखो कितना उनका जो सुर, उनका जो आवाज़ इतना अच्छा था, उनके पास इतना टैलेंट था, वो वहाँ पे इंडिया आइडल में सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया था हिमेश ने, लेकिन वो 1 मिनट के अंदर पूरे बना के गाया था इंडिया आइडल में। देखो इतना टैलेंट होने के बावजूद भी यार सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, रितु रिबा के साथ बहुत ही इंसाफी हुआ है। जब अगले साल फिर से आएगा इंडिया आइडल, दोबारा स्मार्ट हो, वही मैं बोलना चाहूँगा। तो गाइस कौन कौन रितु रिबा को प्यार करता है, सपोर्ट करता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। जो भी हमारे इंडिया में लुक रहता है और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट में लुक रहता है, प्लीज़ आप लोग सभी बताना मेरे कमेंट करके, रितु रिबा को कौन कौन प्यार करता है, कौन कौन सपोर्ट करता है, और उनके साथ बेइंसाफी हुआ है या नहीं हुआ है, प्लीज़ आप लोग मेरे कमेंट में जाके प्लीज़ बोल देना। इसी के साथ मेरे वीडियो खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।